डोंट टेक इट एज अ बर्डन. बहुत सारे बच्चे हैं जो कि इसको एज अ बर्डन ले लेते हैं, है ना, इतना सारा सिलेबस है. देखो बर्डन है लेकिन बर्डन की तरह ट्रीट मत करो उसको, नहीं तो आप कुछ पढ़ ही नहीं पाओगे. ट्राई टू अंडरस्टैंड, और समय खराब होता चला जाएगा. सो बेटर है कि आप उसको बर्डन की तरह मत लो, रिलैक्स होके पढ़ो, आराम से पढ़ो, टारगेट ओरिएंटेड होके पढ़ो. दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. समझ में आता है? सो आप इतना बर्डन मत लो पढ़ाई का. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको मैं बर्डन के पढ़ने से एग्जांपल देता हूँ. हमारे एक टॉपर है जो शायद लास्ट ईयर की टॉपर है, वो क्या कहती है, वो नीट की टॉपर है, वो सजेस्ट करती है आपको, क्या कहती है, शी इज आकांक्षा सिंह, 720 आउट ऑफ 720, ओलिनियर रैंक सेकंड था सिर्फ एज की वजह से, अदरवाइज नंबर के हिसाब से शी इज द टॉपर. और वो क्या कहती हैं, वो ये कहती हैं कि उन्होंने पढ़ाई इसलिए नहीं करी कि उन्हें नीट को क्रैक करना था या टॉप रैंक बनानी थी, एक्चुअली उन्होंने इसलिए करी क्योंकि उनको पढ़ने में मजा आता था. नाउ अगर आपको पढ़ने में मजा आता है तो डेफिनेटली आप बड़े बड़े टारगेट्स भी अचीव कर लोगे. जब किसी काम को करने में आपको मजा आने लगता है, ध्यान रखना, जब किसी काम को करने में आपको मजा आने लगता है तो आप लोग याद रखिए उस टाइम पे आप ग्लोरीफाई हो जाते हो, आपका वर्क ग्लोरीफाई हो जाता है. समझ में आ गया? आपकी बोरियत खत्म हो जाती है. नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. समझ में आ गया? सो इन दैट केस व्हाट आई एम सेइंग इज, आप बर्डन मत लो पढ़ाई की, उसे इंटरेस्ट से पढ़ो. आप पढ़ने आपको अच्छा लगता है इसलिए पढ़ो, मजा आता है इसलिए पढ़ो, तो आपका बर्डन ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा जो आपके टारगेट्स अचीव होने लगेंगे. समझ में आता है? सो प्लीज डू नॉट टेक बर्डन.